नमस्कार दर्शक बंधु, आपण का परिचित चैनल प्रकृतिर वरदान को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आम आगरु देखी थे गोटे वीडियो भृंगराज तेल जहाँकि आमर बाई अति उपकारी। आज सेमती एक तेल प्रस्तुत करी आमर मंजुआती गछर पत्र को नहीं जहाँ आम हिंदी रे मेहंदी आउ इंग्राजी रे हेना बोली जानु। मु एबे एबे दुईटी डाळ आनी लगाई थिली बाड़ी रे। देखंतु ये होची मेहंदी गछ, ये आउ टिके बड़ हबो पाखा पाखी 6-7 फुट पर्यंत हबो। ए डाळ गुडी को मु एबे लगेची, ये बंचिबा पई आउरी समय लागिवो। तेबे आपण निश्चय आकु चिन्हिथिबे बा या विषय रे मध्य अनेक कथा जानिथिबे। आकु मुंडरे लगाइबा द्वारा आमर कौन उपकार हुए आउ झियो बहु माने आमर हाथ रे मध्य मेहंदी को लगेई रंजेबा पई बहुत भल पांती। याकु संस्कृत रे नख रंजनी बोली मध्य कुहा जाय। तेबे एथिरु किछि पत्र मु संग्रह करके रखिछि जहाकु आज आपण को देखेबी तेल प्रस्तुत करी। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ आसचंती देखुचंती बा सब्सक्राइब करिनांती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करनी। आपण मानक मतामत मूल रु शेष पर्यंत वीडियो को देखी मतामत दियंतु। तेबे मु आहुरी आग को आपण मानक स्वास्थ्य सूचना नहीं आसिबा पई अग्रसर हेबी। एबे आसंतु आमे तेलटी प्रस्तुत करिबा। तेल प्रस्तुत करिया पई आमे राशि तेल नहींचे 200 मिलीलीटर राशि तेल। मेहंदी अनेक गुड़िया उपकार रही आम शरीर पर एबे आमे राशि तेल टी पकईद। देखु मु मेहंदी को टिके बाटी देकी गोटी बनई सुखी सुखेदेले आमर तेल आम जो गरम तेल पकेबा ये आम ऊपर को छिटिकवन 10-15 गोली को आम एवं 200 मिलीलीटर तेल पकईद। कम आंचरे पूरा पोड़ जावा पर्यंत गरम कर। अति सहज प्रक्रिया ये तेल प्रस्तुत करवा। आम विभिन्न प्रकार तेल किणिकी मार्केट रु मुंडे लगोचे एमती गोटे विशुद्ध तेल आम जब प्रस्तुत करूचे बिना मूल्य आम हाथ पहांतारे थिबा मेहंदी गच्छर किसी पत्र संग्रह करी आम घरे अति सहजरे प्रस्तुत कर पारिबा। मेहंदी गच्छटी बाड़ कड़े बा आमर बाड़ी बगीचार जोटी बाड़ी शेष हो जाए सेमती जगार बाड़ हिसाब से आम लगे आपण चाहिए जेकोसी जगार संग्रह करी गोटे डाल आड़ी में लगे पारे कि जगह नथिले कुंडरे लगे पारे। एबे देखंतु तेलटी प्रस्तुत हो जाए सब गुड़िक आमर जो गोटी पकई थे मेहंदी सब कला ही पोड़ी। ये तेलटी बर्तमान आम छाणिकी रखिद गोटे काच बटल याकू व्यवहार कले आम बाल को कला रखिपर बाड़े रूपी समस्या दूर हम आउ बेसी झड़ दोमुहा हेब ना बाड़ सब समस्या ये समाधान कर। मेहंदी पत्र आम हाथ में झील बो मैंने लगाती नख रंजेवाई ता संगे संगे नख को सुस्थ रखा पा खाई जदि आम नख नष्ट हो जाए सुस्थ रखे कौन न खावा दिए ना ये पत्र को बाटी लगे आम बहुत उपकार पाऊ।
ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଅଟେ ବୃକ୍ଷଲତା, ମାନବ ସମାଜେ ଭିତରେ ସେବା, ତା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଭୁଲିଯିବା ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଗଣାକି ହେବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ମହୌଷଧି ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।